Naughty News. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नटखट नॉटी न्यूज। और मैं हूँ आपकी प्यारी न्यूज रीडर ट्विंकल। आज मैं आपको फ्रेंच फ्राइज जैसी क्रिस्पी और हॉट सॉस जैसी हॉट एंड स्पाइसी खबरें सुनाने वाली हूँ। और आज की सबसे पहली खबर है एनिमल किंगडम से। दोस्तों, याद है ना पिछले एपिसोड में टोनी टॉर्टोइज और रॉनी रैबिट के बीच में दौड़ने की कंपटीशन होने वाली थी और शर्त ये लगी थी कि जो भी हारेगा वो जंगल के सारे एनिमल्स को आइसक्रीम खिलाएगा। आगे क्या हुआ ये बताएंगी रिपोर्टर रूबी। हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर रूबी और मैं बताने वाली हूँ कि आगे रेस में क्या हुआ। सुंदरवन जंगल के सारे जानवर सुबह से बैठे थे रेस देखने के लिए। हैप्पी हिप्पो ने बंदूक से गोली चलाई और रेस शुरू हो गई। सबको कॉन्फिडेंस था कि ये रेस रॉनी रैबिट ही जीतेगा, क्योंकि रॉनी रैबिट रॉकेट की तरह तेज था। उसने आधी रेस आधी मिनट में ही खत्म कर दी थी। फिर उसे भूख लगी तो वो बबलू डोंगे के होटल में जाके गाजर का हलवा खाने लगा। उसने इतना हलवा खाया कि उसे नींद आ गई। लेकिन टोनी टोटो स्लोली चलता ही रहा। उसने चलना कभी बंद नहीं किया और आखिर में वो रेस जीत गया। ऐसा हमारे साथ भी होता है। अगर हम कोई काम स्लोली लेकिन स्टेडीली करें तो हम उसमें कभी नहीं हारते। देखा आपने, रैबिट हार गया तो सारे एनिमल्स को रैबिट ने आइसक्रीम खिलाई। ये देखिए, अब सुनिए खबरें अल्फाबेट की दुनिया से। दोस्तों, अल्फाबेट की दुनिया में खलबली मच गई है। जी हाँ, यहाँ फाइटिंग हो रही है। अल्फाबेट बी बोल रहा है कि अल्फाबेट सी ने उसको बैक में पंच मारा है और उसको स्वेलिंग यानी कि सूजन आ गई है। लेकिन पी का कहना है कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मी झूठ बोल रहा है। अब सच क्या है इसका पता लगाने इंस्पेक्टर तारे गए हैं एंजल हार्ट स्कूल में। तारे। आई एम इंस्पेक्टर तारे। मैंने पुलिस चौकी में मच्छर नहीं मारे। और जो झूठ बोलता है उनको दिन में दिखाता हूं सितारे। एक्सक्यूज मी। मिस पिंकी, मैं हूं टीचर पिंकी। मेरा फेवरेट कलर है पिंक और मैं हमेशा पिंकी पिंकी बातें करती रहती हूँ और मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। तो पी फॉर पिंकी पिंकी, टी फॉर ट्रूथ बताइए, क्या सच में अल्फाबेट पी ने बी को पीठ में पंच मारा था? ओ नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अल्फाबेट बी झूठ बोल रहा है, पी ने उनको पंच नहीं मारा। ये देखिए, बी की बैक तो बचपन से ही सूजी हुई है और पी तो बड़ा ही प्यारा अल्फाबेट है और पी को तो सब पप्पी करते रहते। TH for thanks, आपने तो मेरा केस सॉल्व कर दिया। वेलकम। पर अब झूठ बोलने के लिए बी जाएगा जेल में। बी फॉर बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। देखा फ्रेंड्स, झूठ बोले तो जेल जाए और सच बोले तो गिफ्ट पाए। आप भी कभी झूठ मत बोलना। अब न्यूज़ फ्रॉम राइम वर्ल्ड। याद है आपको, कल फिशरमैन ने बेबी शार्क को पकड़ लिया था और समुंदर में सारी मछलियां सैड हो गई थी। ऑक्टोपस और व्हेल को इतना रोए कि समुंदर और भी नमकीन हो गया। बेबी शार्क के साथ क्या हुआ? क्या वो किसी एक्वेरियम में चली गई या फ्राई होके किसी के पेट में चली गई? इंस्पेक्टर तारे से बात करने गई है रिपोर्टर रूबी। इंस्पेक्टर तारे? मैं हूँ इंस्पेक्टर तारे। मैंने पुलिस चौकी में मच्छर नहीं मारे। अरे मच्छर को छोड़िए और बेबी शार्क के बारे में बताइए। हमारे सब फ्रेंड्स चिंटू मिंटू पिंटू रोली पोली डोली चिनू मिलू बिलू सबको जानना है। हाँ हाँ, बताता हूँ। जब मुझे पता चला कि बेबी शार्क पकड़ी गई है और सारे बच्चे उदास हो गए, मैं उस फिशरमैन के घर पहुंचा।
वहां मैंने क्या देखा कि फिशरमैन सारी फिश लेकर होटल वालों को बेचने जा रहा था। फिर क्या, मैंने उसे कहा एस फॉर स्टॉप और वो रुक गया। मुझे बोलने लगा, इंस्पेक्टर तारे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आप मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि फिशरमैन का काम ही फिश पकड़ना होता है। फिर तो मतलब बेबी शार्क समुंदर में वापस कभी नहीं आ पाएगी। यस, मुझे भी ऐसा ही लगा था। उतने में वहां फिशरमैन की बेटी आ गई और उसने फिशरमैन को कहा, पापा पापा, हम बेबी शार्क को मार डालेंगे तो फिर हम बेबी शार्क की राइम कैसे गाएंगे? रियली? यस, वाई फॉर यस। और फिर फिशरमैन के मन में दया जागी और उसने बेबी शार्क को छोड़ दिया। यस, थैंक यू इंस्पेक्टर तारे। अरे थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू बोलना है तो उस बच्चे को बोलो जिसके दिल में हर जीव के लिए, हर प्राणी के लिए प्रेम है। बेबी शार्क डू 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 डू, सुना आपने? इस तरह बेबी शार्क बच गई और सारे बच्चे वापस गाने लगे। बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क, मम्मी शार्क डू 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 डू, मम्मी शार्क डू 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 डू, मम्मी शार्क डू 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 डू, मम्मी शार्क, डैडी शार्क डू 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 डू, डैडी शार्क डू 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 डू, डैडी शार्क डू 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 डू, डैडी शार्क। अब सुनिए न्यूज़ फ्रॉम नेबरहुड, यानी कि आपके आसपास की खबरें। एंजल हार्ट स्कूल में सेकंड क्लास के कई सारे बच्चे बेहोश हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इसका पता लगाना पड़ेगा। अब वक्त है सवालों के मास्टर ब्लास्टर चिंटू के टेंशन भरे सवाल और अंकल बनाना के हंसी भरे जवाब का। अरे सवालों के मास्टर ब्लास्टर चिंटू, इतने टेंशन में क्यों? अंकल बनाना, मुझे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है। कौन सा क्वेश्चन आ गया? जब ये पंछी उड़ सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं उड़ सकते? अरे उड़ सकते हैं ना, क्यों नहीं उड़ सकते? कैसे? अगर हमारे पूर्वज बंदर की जगह ईगल या गरुड़ जैसे पंछी होते तो उड़ सकते, लेकिन हमारे पूर्वज तो बंदर हैं ना, इसलिए बंदरों की तरह हमें हाथ और पैर आते हैं, पंख नहीं आते। हाँ, अगर पंख होते तो भी इंसान उड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इंसान का वजन इतना ज्यादा है कि वो पृथ्वी के ग्रेविटी को छोड़कर ऊपर नहीं जा सकता। तो भी वो पंछी कैसे उड़ सकते हैं? हाँ, पंछी उड़ सकते हैं क्योंकि उनका वजन है ना बहुत कम रहता है और उनके बोन भी हॉलो रहते हैं, मतलब हल्के फुल्के रहते हैं, इसलिए पंछी उड़ते हैं, इंसान उड़ नहीं सकता। आप गलत अंकल बनाना, हम इंसान भी उड़ सकते हैं। इंसान उड़ सकते हैं? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। हॉट एयर बलून, एयरप्लेन, पैराशूट, हम इन सब की मदद से उड़ सकते हैं। यस 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 यस, बराबर है, बराबर है, बराबर है। इंसान के पास दिमाग ऐसी एक अमूल्य चीज है, उस दिमाग से इंसान कुछ भी कर सकता है। सही कहा। तो चलो अभी खेलते हैं चिड़िया उड़े, कौवा उड़े। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी दिमाग है और आप अपने दिमाग से कुछ भी कर सकते हो। तो ये थी आज की नटखट नॉटी न्यूज। नेक्स्ट एपिसोड में हम पता करेंगे कि एंजल हट स्कूल के बच्चे बेहोश क्यों हो रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय योर डे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मस्ती भरी नटखट नॉटी न्यूज अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय।